बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत की राज व्यवस्था में भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, है ना। तो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग आज का टॉपिक जरूर है, लेकिन भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों को एक चीज़ में परेशानी होती है कि जैसे आप संविधान में देखते हैं कि संविधान में लिखा हुआ होता है, संविधान के जैसे कि आप लिखा हुआ होता है कि संविधान के भाग, ठीक है, भाग के बाद लिखा हुआ होता है अनुच्छेद और फिर लिखा हुआ होता है अनुसूची। तो इन चीजों को लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर भाग, अनुच्छेद और अनुसूची में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं इसको बिल्कुल आपको विदाउट टेक्निकल एकदम आपको आम समझ में उस भाषा में आपको बताता हूं। तो जिस तरह से हम जब संविधान को देखते हैं या किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो पुस्तक जो है ये कई वृहद खंडों में बटी हुई होती है, इसी तरह से संविधान भी है। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो यूनिट वाइज डिवाइड होता है, एक यूनिट होते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स बने हुए होते हैं, किसी बुक में 4, 5, 6 यूनिट होते हैं, ठीक है, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उसी तरह से संविधान जो मुख्य यूनिट्स में डिवाइडेड है, जो बड़े बड़े भागों में बटा हुआ है, संविधान को कुछ खंडों में बांटा गया है, उसे कहा जाता है भाग, ठीक है। जब भारत का संविधान बना था तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग थे, जबकि आज वर्तमान संविधान में इन भागों की संख्या है 25। तो उम्मीद है भागों को लेकर कोई परेशानी नहीं है। अब आइए अनुच्छेद। जिस तरह से एक बुक में कई यूनिट बने हुए होते हैं और प्रत्येक यूनिट के अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है ना, एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है, उसके अंदर में अलग अलग पार्ट होते हैं, उसी तरह से जो भाग होते हैं, भाग के अंदर में अलग अलग अनुच्छेद होते हैं, यानी एक भाग के अंदर बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं भाग एक, तो भाग एक के अंदर अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 किस में आते हैं, भाग एक में। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब भाग, तो और क्लियर होगा। यानी ये जो भाग होते हैं, इस भाग के अंदर में बहुत सारे अनुच्छेद होते हैं जो उस भाग से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरी चीज जिसे हम कहते हैं अनुसूची, ठीक है। तो ये अनुसूची जो है ये बिल्कुल अलग चीज है, भाग और अनुच्छेद से इसका लेना देना नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाग और अनुच्छेद से इसको हम पृथक कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में सरकार होती है तो सरकारों को नीति बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए कुछ सूचियां, सूचियां मीन्स कुछ लिस्ट दिया गया है, इसी को कहते हैं अनुसूची, क्लियर है। यानी कि अनुसूचियां जो है ये सरकार को दिया गया एक लिस्ट है संविधान की तरफ से, संविधान की तरफ से यानी भारत की जनता के तरफ से, जो सरकार को निर्देशित करता है कि इसी अनुसूची के अंतर्गत उसे काम करने हैं। और इधर जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, ये सभी अनुच्छेद जो हैं, इनमें कुछ अनुच्छेद इन अनुसूचियों को स्पष्ट करते हैं, यानी इन अनुच्छेदों की स्पष्ट व्याख्या यहाँ अगर नहीं हो पाई है तो इन अनुसूचियों के माध्यम से उनकी स्पष्ट व्याख्या की जाती है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होगा। अभी मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि भाग जो है ये संविधान के वृहद खंड है, इन भागों के अंदर में अलग अलग अनुच्छेद समाहित होते हैं और ये अनुसूचियां जो है ये सरकार को दिया गया एक लिस्ट है संविधान की ओर से, जिसके अनुरूप उसे काम करना पड़ता है। एक मुद्दे की बात और कर लेते हैं। जब भारत का संविधान बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे, आज के डेट में इन अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर हो गई है 448, ठीक है। इसी तरह से जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें अनुसूची यानी लिस्टों की संख्या थी 8 और आज इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर हो गई है 12, ठीक है। यानी कि मूल भारतीय संविधान में जो मूल भारतीय संविधान था उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जबकि आज का जो वर्तमान भारतीय संविधान है, वर्तमान भारतीय संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। तो ये तो क्लियर हो गया भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ये जो 25 भाग हैं इनके बारे में। तो चलिए आप लोग अपने नोटबुक में टॉपिक बना लीजिए, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए और प्लस जब आगे के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका आपको फायदा मिले।
तो हम लोग इसके लिए एक कॉलम बना लेते हैं। इसमें हम लोग एक साइड में लिख लेंगे भाग, ठीक है, बीच में लिखेंगे प्रावधान, उस भाग में क्या क्या प्रावधान है, और तीसरा चीज कि ये प्रावधान जो हैं ये किन अनुसूचियों में किए गए हैं, सॉरी किन अनुच्छेदों में किए गए हैं, अनुसूची नहीं अनुच्छेद, है ना, यानी कि कौन सा भाग किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग एक। ठीक है, भाग एक, भाग एक में क्या है, तो भाग एक में है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मैं क्षेत्र लिख देता हूं शॉर्टकट में, भाग एक में है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, और इससे संलग्न अनुच्छेद जो है यह है अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का भाग एक अनुच्छेद 1 से 4 प्रावधान करता है भारत संघ तथा उसके परिक्षेत्र या संघ तथा उसके परिक्षेत्र। ये हमारा पहला चैप्टर भी होगा जब हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अब आते हैं भाग दो। भाग दो में क्या है, तो भाग दो में है नागरिकता। ठीक है, भाग दो में है नागरिकता। नागरिकता का संबंध में जो प्रावधान है ये भाग दो अनुच्छेद, देखिए यहां पर कहां खत्म हुआ है 4, तो ठीक इसके बाद से शुरू कीजिए 5 से 11। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से 11, तो भारतीय संविधान का भाग दो अनुच्छेद 5 से 11 संबंधित है नागरिकता से, यानी नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं भाग दो में। सीधे सीधे भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाग दो में क्या है, या फिर अगर आपको नागरिकता से संबंध में कोई प्रावधान दे रहा है और अनुच्छेद पूछ रहा है तो आपको उस अनुच्छेद का आंसर 5 से 11 के बीच में देना है। आगे हम लोग जब नागरिकता वगैरह चैप्टर करेंगे तो वहां पर इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाग तीन। भाग तीन में है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, कल के क्लास में हमने बात की थी। ठीक है, याद अगर आपको होगा तो मौलिक अधिकार हम लोग लिए थे कहाँ से, अमेरिकी संविधान से, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद देखिए ये कहाँ खत्म हुआ है, तो 11 में, ठीक 11 के बाद शुरू कीजिए 12 से 35, यानी मौलिक अधिकार के प्रावधान किस में है, तो भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना क्लियरली, चलिए ठीक है। इसके बाद आते हैं भाग चार। ठीक है, भाग चार में क्या है, तो भाग चार में है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाग चार में क्या है, तो भाग चार में है DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इससे संबंधित अनुच्छेद, तो आप समझ ही गए हैं यहाँ 35 खत्म हो रहा है तो यहाँ शुरू कितना से करना है 36, तो 36 से 51। ठीक है, तो 36 से 51 तक में है DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, इसके बाद एक आ जाता है भाग 4A। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए तो वीडियो को रोककर कि DPSP के प्रावधान हमने किस देश से लिए हैं, कल हमने पढ़ा था ना, चले फटाफट वीडियो को रोक करके आंसर सोचिए, सोच लिए आंसर, जी हाँ आपका आंसर सही है, DPSP के प्रावधान हम लोग लिए हैं आयरलैंड से। ठीक है, अब आइए भाग 4A। देखिए यहां तक तो 1, 2, 3, 4 सही चला, यहाँ 4A, कभी 4A लिख देता है या कभी हिंदी में अगर अ ब ऐसे भी लिखे तो 4A भी लिख सकता है, तो जहां पर भी ये इंग्लिश का कैपिटल लेटर या अ वगैरह हिंदी के अक्षर जोड़ देते हैं इसका मतलब समझिएगा, ये जहां जुड़ गया इसका मतलब समझिएगा कि ये मूल संविधान में नहीं था, इसको संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो भाग चार है इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा, कब, तो 1976 में। ठीक है, तो भाग 4A को 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, कल के क्लास में मैंने इसको भी बात की थी, इस पर अगर आपको ध्यान में होगा, तो भाग 4A में क्या चीज है, तो भाग 4A में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मौलिक कर्तव्य।
ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और इसके लिए अनुच्छेद क्या है, तो इसमें अनुच्छेद वही संशोधन वाला अनुच्छेद हो जाएगा 51A। देखिए यहाँ 51 है ना, 51 में एक नया आर्टिकल यानी अनुच्छेद जोड़ा गया 51A और मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, यानी कि भाग 4A अनुच्छेद 51A में क्या है, मौलिक कर्तव्य। इसको कब संविधान में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसके लिए जो है एक समिति ने अनुशंसा की थी, उस समिति का नाम था सुवर्ण सिंह समिति। आपको पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की अनुशंसा किसने की, तो ये की थी सुवर्ण सिंह समिति। इन्हीं के अनुशंसा को ध्यान में रखकर 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A को शामिल करके मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए अब ये जो आप देख लिए यहाँ पर भाग 1 से लेकर 4A तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 1 संघ तथा उसका परिचित्र और अनुच्छेद, ये सारे चीज़ों को आप बिल्कुल रट जाइए। ठीक है, पूरे संविधान का जो बेस है यही है, इसको पूरी तरह से रट जाइए। और अभी कुछ और मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको एकदम आधार, आपको नींद से जगा करके भी कोई पूछे तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, अब आते हैं फिर इसी तरह से बना लेते हैं भाग प्रावधान और अनुच्छेद, बना लेंगे भाग प्रावधान और अनुच्छेद। अनुच्छेद को ऐसे हम शॉर्टकट में भी अनु लिख सकते हैं, या इंग्लिश में इसको आर्टिकल बोला जाता है, हम लोग ऐसे ARTI भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग यहां पर देख लिए थे 4A तक। 4A के बाद जो देखेंगे वो है हमारा भाग 5। तो भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में हमारा है संघ यानी केंद्र। इसमें संघ की कार्यपालिका के लिए अलग अनुच्छेद है, विधायिका के लिए अलग अनुच्छेद है, और न्यायपालिका के लिए अनुच्छेद अलग है। लेकिन मैं अभी तीनों को मिलाकर एक ही जगह लिख रहा हूं, जब हम चैप्टर में जाएंगे तो संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग करके देखेंगे। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52 से 78 तो जो है ये कार्यपालिका के लिए है, तीनों को अगर मिला देंगे तो 152 तक आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 152। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका है, संघ जो पूरा संघ है, संघ के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो 52 से लेकर 152 तक आ जाएंगे, यानी भाग 5 में संघ के संबंध में प्रावधान है। इसके बाद आते हैं भाग 6, तो भाग 6 में है राज्य। राज्य में भी उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ खत्म किए हैं, तो 152, तो यहाँ हम शुरू कर लेंगे 153 से लेकर के, और 153 से लेकर हम जाएंगे 237 तक, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका तीनों के प्रावधान आ जाएंगे। ठीक है, अब 6 के बाद हम लोग एक ही बार स्किप करेंगे कुछ प्रावधानों को, क्योंकि बीच वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक ही बार हम लोग आ जाएंगे भाग 15 में। तो भाग 15 में हम लोगों का क्या है, तो भाग 15 में हम लोगों का है निर्वाचन। निर्वाचन यानी कि चुनाव, यानी भाग 15 में निर्वाचन है, और इसके लिए अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 328, यानी भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 328 तक चुनाव संबंधी यानी निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब अगर आपको पूछ लेता है कि भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इन्हीं के बीच में होगा। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादा इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अब 15 के बाद आ जाइए आर्टिकल नंबर, सॉरी भाग नंबर 16। तो भाग नंबर 16 में है कुछ खास वर्गों के लिए विशेष विधायी प्रावधान। एक्चुअली में ये जो भाग 16 है, ये भाग 16
समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान करता है, जैसे एसटी, एससी और ओबीसी के लिए। ठीक है, तो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए संविधान में जो विशेष प्रावधान है वो प्रावधान करता है भारतीय संविधान का भाग 16, और इसके तहत अनुच्छेद आ जाएंगे अनुच्छेद 340, 341 और 342। ठीक है, ये तीनों जो अनुच्छेद हैं, ये तीनों अनुच्छेद के तहत एसटी, एससी और ओबीसी को परिभाषित करते हुए उनके लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद 16 के बाद एक ही बार हम लोगों को देखना है 20। ठीक है, 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 में क्या है, भाग 20 में, तो भाग 20 में है संविधान संशोधन। भाग 20 हमें बताता है कि संविधान में संशोधन किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 368, यानी आर्टिकल 368, यानी भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के संबंध में प्रावधान करता है। तो इधर मैंने 5 भाग लिखे हैं और इधर 5 भाग लिखे हैं। 25 भाग पूरा का पूरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये 10 भाग अगर आप याद रखते हैं अनुच्छेदों के साथ में तो आगे पढ़ने में भी आपको मजा आएगा, पढ़ाई में भी हेल्प होगा और एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आपका होगा, तो आप इनको कम से कम याद कर लीजिए। तो चलिए, आज के क्लास में भारतीय संविधान के भागों को हमने देखा, तो वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, तो यहाँ भाग और अनुच्छेद खत्म कर लिए, अब नेक्स्ट में चलेंगे अनुसूची, और जैसे ही अनुसूची खत्म करेंगे हम लोग आ जाएंगे अपने पहले चैप्टर से, यानी भाग 1 से लेकर के फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो आज के वीडियो में इतनी बातें करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू।